हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है द मूवी शो। तो आज यहाँ पे जो इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ, आज ही जो मूवी रिलीज हुई है स्त्री को लेकर, जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा था तब से एक एक्साइटमेंट थी कि कब ये मूवी रिलीज होगी और फाइनली आज वो दिन आ चुका है, यानी कि 31 अगस्त जिस दिन की आज ये मूवी रिलीज हुई है। मैं अभी अभी जस्ट इसका पहला शो देख के आया हूँ और मूवी के बारे में तो आपको डेफिनेटली आगे बताने ही वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या है मेरे ओपिनियन इस मूवी को लेकर और क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या ये मूवी यमला पगला दीवाना से बेटर है या बेकार है। ये सारी बातें जो है आज इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं स्टोरी तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट तरीके से, बट सस्पेंस मैं आपके साथ लीक नहीं करूंगा क्योंकि सस्पेंस कहीं ना कहीं बना रहना चाहिए। अगर सस्पेंस ही लीक हो जाता तो वो मूवी जब आप देखने जाओगे तो आपको वो मजा नहीं आएगा। तो सस्पेंस मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर नहीं करूंगा, कुछ कुछ बातें जो मूवी की मैं आपको बताऊंगा और अपने ओपिनियन दूंगा कि कैसी ये मूवी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हर वीक जो है मैं आपके लिए ऐसी ही मूवीज के रिव्यू लाते रहूंगा जिससे कि आपको पता चल पाए कि मूवी अच्छी है या बुरी है, सारे ओपिनियन आप अपने आप ले पाए। तो चलिए बात करें इसकी टीम को लेकर। तो जो स्त्री मूवी को डायरेक्ट करी है अमर कौशिक जी ने और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है दिनेश विजन, जिन्होंने की ऑलरेडी बहुत सारी मूवी प्रोड्यूस करी है जिनमें से कुछ बड़े नाम जो है गो गोवा गॉन, कॉकटेल और लव आजकल, ये बड़ी फिल्में जो इन्होंने ऑलरेडी प्रोड्यूस करी है। तो ये कुछ फिल्में जो उन्होंने प्रोड्यूस करी है। अब बात करते हैं मेन स्टार कास्ट की। तो यहाँ पे जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं वो है यहाँ पे राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, जो कि एज एन फीमेल जो यहाँ पे लीड प्ले कर रही है। तो यहाँ पे जो राजकुमार राव का जो इसमें रियल नेम है, ये तो उनका रियल नेम और जो इनका रियल नेम इस मूवी में है वो है विकी, और वहीं कहीं ना कहीं जो श्रद्धा कपूर का नाम है वो मुझे इस पूरी मूवी में कहीं भी पता नहीं चला। मैंने जानने की कोशिश करी इंटरनेट में भी तो वहां पे भी कहीं इसका कोई नाम लीक नहीं है, कोई रिवील नहीं है। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या नाम है इसका, श्रद्धा कपूर का इस मूवी में, क्योंकि मेरे को तो इसका बिल्कुल नाम कहीं पे भी कुछ हर जगह जो है अननोन नेम से सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धा कपूर का नाम यहाँ पे जो इस पूरी मूवी में क्लियर नहीं किया गया है। तो अगले जो हमको बड़े कैरेक्टर्स मूवी में देखने को मिलते हैं वो है यहाँ पे हमारे फेमस एक्टर पंकज त्रिपाठी जी, जो कि यहाँ पे जो है इस मूवी में जो है इनका जो रियल नेम है वो है रुद्रा। तो यहाँ पे रुद्रा का कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे राजकुमार राव के जो है इस मूवी में दो फ्रेंड दिखाए गए हैं, दोनों ही फ्रेंड जो है आपने ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज में देखे हैं। तो डिटेल में ना जाने से बढ़िया मैं बताता हूँ फ्रेंड्स के नाम। तो एक फ्रेंड का नाम यहाँ पे जो विक्की के जो दो फ्रेंड थे उनमें से एक फ्रेंड का नाम यहाँ पे होता है बिट्टू और दूसरे का जो नाम होता है वो है दाना। तो ये दो उसके फ्रेंड्स होते हैं। और यहाँ पे जो रुद्रा का जो इनके काम को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे जो विकी यानी कि जो राजकुमार राव है वो यहाँ पे जो है इस मूवी में जो एक टेलर का काम कर रहे हैं, जो कि लेडीज टेलर है और ब्लाउज कुर्ता ये सारे जो चीजें होती है सिलते भी और बनाते भी। तो ये काम जो है उसमें बिल्कुल परफेक्टनिज्म उन्होंने दिखा रखा है और बहुत अच्छे तरीके से वो इस काम को निभाते हैं और बहुत माने हुए टेलर थे वो अपने गाँव के। तो वहीं पे बात करते हैं जो इनका फ्रेंड का जो है अपना खुद का जो रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, तो बहुत बड़ी उनकी दुकान है। बाकी जो तीसरा फ्रेंड है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि बेसिकली वो क्या काम करता है, क्योंकि मैंने मूवी में कहीं भी ऐसा कोई सीन नहीं देखा जहाँ पे उनके काम को लेकर कहीं पे भी जिक्र हुआ हो। तो मूवी में जिस गाँव के बारे में जिक्र किया गया है उस गाँव का नाम है चंदेरी, जो की मध्य प्रदेश भोपाल में लोकेट है। तो थोड़ा इसको मिस्टीरियस टाइप का थोड़ा वो गाँव लगता है, तो इसलिए जो है मूवी के शॉट के लिए जो है इस गाँव को जो है बेसिकली दिखाया गया है। तो बात करें अब इस मूवी को लेकर, तो मूवी कहीं ना कहीं नाम में जैसे स्त्री छुपा है तो बोला गया कि मूवी हॉरर कॉमेडी है, और डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि मूवी हॉरर कॉमेडी है। आज की डेट में हमने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें कॉमेडी हॉरर दिखा देते हैं, बट कहीं ना कहीं हॉरर कहीं ना कहीं उस चीज में छुप जाता है और यहाँ पे इस मूवी में दोनों ही चीज बहुत बखूबी से दिखाई गई है। बात कॉमेडी को लेकर करी जाए तो कॉमेडी बहुत बखूबी दिखाई गई है, बात अगर हॉरर सीन को लेकर करी जाए तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। तो मूवी में मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे को कहीं की भी कोई कमी नहीं लगी। बात जहाँ पे फर्स्ट हाफ के रहती है तो फर्स्ट हाफ बहुत 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 ही स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं सेकंड हाफ जो वो थोड़ा सा डाउन जाते हुए देखेगा। तो मूवी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि एक गांव है चंदेरी जो कि मध्य प्रदेश में लोकेट है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्हीं में जो है ये तीन दोस्त यानी कि विक्की बिट्टू और दाना, ये तीन दोस्त यहाँ पे रहते हैं और इन तीनों में जो है बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, आपस में मस्ती मारते रहते। तो गाँव में ऐसा माना जाता था कि जो यहाँ पे एक पूजा होती थी हर साल जो कि चार दिन की होती थी, तो ऐसा माना जाता था कि जो चार दिन की पूजा होती है वहां पे हर साल जो है एक स्त्री आती है जो कि यानी कि चुड़ैल रूप चुड़ैल ही बोल सकते हैं, तो एक चुड़ैल है और वो आती है और वहां के किसी मर्द को जो है उठा के ले जाती है और केवल केवल उसके वस्त्र वहां पे छोड़ देती है, उसको नंगा उठा के वहां से ले जा लेती है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक स्टोरी है। तो वही पूजा का उत्सव वहां पे आता है, तो इससे बचने के लिए गाँव वाले ने एक उपाय ढूंढा था, तो कि एक वो पेंट से घर पे लिख देते हैं ओ स्त्री कल आना। तो ये हर घर के बाहर जिस भी घर के बाहर ये लाइन लिखी होती थी ओ स्त्री कल आना,
उस घर के अंदर जो भी इंसान रहता है वो सेफ रहता है, और ऐसा कहीं ना कहीं मूवी में दिखाया भी गया है कि जो चुड़ैल है यानी कि जो स्त्री है वो उस घर में नहीं जाती थी जिस घर में ये पेंट लगा रहता है। तो यहाँ पे जो विकी है यानी कि हमारे राजकुमार राव, वो इन बातों में बिलीव नहीं करते थे, वो मानते थे कि सारी बातें झूठी हैं, बकवास है, और उसी तरीके के उनके दोस्त भी थे जो कि इन बातों को नहीं मानते थे। तो पूजा का यहाँ पे पहला दिन आता है, और पहला दिन में जो है यहाँ पे विकी अपना जो टेलर का काम कर रहे होते हैं, और वहीं पे जो है उनको छत में जाते हैं, तो छत में उनको वहाँ पे एंट्री होती है। श्रद्धा कपूर जो कि इसमें लीड एक्ट्रेस का रोल निभा रही है, तो श्रद्धा कपूर आती है और उनको कुछ कपड़े देती है और उनको बोलती है उनके लिए झोली घाघरा जो है सिल देना। तो इस तरीके से राजकुमार राव को कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन होने लगता है श्रद्धा कपूर से, और वहीं वो अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करते तो उनके दोस्त नहीं मानते कि भाई ऐसा कोई चीज भी है। तो उसी दिन जो कि पहली रात होती है पूजा की, तो वहां पे कहीं ना कहीं सारे दोस्तों की जितने भी ये लड़के लोग ये उस गांव के थे वो सभी लोग जो है एक दोस्त के घर में जो पार्टी कर रहे होते हैं, पूरा गाना गुना चल रहा होता है, फुल एंजॉयमेंट चल रहा होता है, और उस घर के बाहर भी लिखा रहता है ओ स्त्री कल आना। तो जैसी रात का टाइम होता है तो चुड़ैल डेफिनेटली वहां पे आ जाती है अटैक करने के लिए, बट वो घर के अंदर नहीं जाती क्योंकि घर के बाहर लिखा रहता है ओ स्त्री कल आना। तो राजकुमार राव जो कि यानी कि विक्की जो बिल्कुल भी इन बातों में बिलीव नहीं करता, वो क्या करते हैं उस चीज के ऊपर, उस पेंट के ऊपर जो टॉयलेट करके आते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो कल नाम होता है वो मिट जाता है, और जैसे ही वो मिट जाता है वैसी वो चुड़ैल जो है उस मकान के अंदर घुस जाती है। और उसी बीच कुछ ऐसा होता है कि जो उनका एक फ्रेंड रहता है वो उसके कपड़े उतार के उसको अपने साथ लेके चले जाती है। तो ये तो थी पहली रात की घटना जिनमें उनका एक दोस्त जो है वो उनके साथ चले जाता है, मतलब चुड़ैल उसको उठा के ले जा लेती है। ये थी पहले दिन की घटना, और इससे क्या पूरे गांव में एक हलचल मच जाती है कि स्त्री वापस आ चुकी है, तो सब बिल्कुल हैरान परेशान से हो जाते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। अभी भी कहीं ना कहीं विक्की को जो इस बात में भरोसा नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज है। विक्की कहीं ना कहीं साइड बाय साइड जो है दोस्ती चल रही होती है उसकी श्रद्धा कपूर के साथ, अच्छी खासी बॉन्डिंग चल रही होती है, तो उसके दोस्तों को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि जिसके साथ जो है यहाँ पे विक्की की दोस्ती आजकल बढ़ रही है वही कहीं ना कहीं स्त्री तो नहीं है। तो ये बात तो डेफिनेटली बहुत सोचने वाली बात थी, क्योंकि रात श्रद्धा कपूर को बहुत पसंद थी। तो एक दिन ऐसा होता ही है कि श्रद्धा कपूर जो है विक्की को बोलती है मेरे साथ कहीं चलो, और वो उसको डेट के बहाने में एक जंगल में ले जाती है जहाँ पे वो आग जलाती है, और आग जलाते जलाते बीच में जो है वो अचानक से गायब हो जाती है, और वहाँ पे बिल्कुल विक्की जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि एक्चुअली में वो गई कहाँ। और फिर वो निकलते हैं तो उसी बीच क्या होता है जो उनके दोस्त होते हैं जो दाना और बिट्टू जो दोस्त को ढूंढने निकले होते हैं, तो बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो पेट्रोल खत्म होने के बाद वो धक्का मार के ले जा रहे होते हैं, तो अकेले अकेले जब उनका घर आता है तो दोनों के दोनों अकेले रास्ते में निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो रुद्र हैं जो कि जिनकी त्रिपाठी जी की जो बात करी गई थी वो एक्चुअली एक बार इनको मिलते हैं और बताते हैं कुछ बातें, पर उनमें से जो वो मेन बात होती है वो उनको बता नहीं पाते, और वो मेन बात जो रहती है कि पीछे मुड़ के मत देखना जब चुड़ैल आ जाएगी। और वही चीज़ होती है कि यहाँ पे जब दाना अकेले जा रहे होते हैं वो पीछे से आवाज़ मारती है, जो उसमें स्त्री है वो हमेशा किसी को अटैक करने से पहले 3 बार नाम लेती है, उसको नाम पता होता है, और बहुत प्यारी तरीके से वो नाम लेती है, जो भी उसके बाद उसको पीछे मुड़ के देखता है वो डेफिनेटली बचता नहीं है उसके बाद। तो वही चीज़ दाना के साथ यहाँ पे वही उन्होंने आवाज़ ली, आवाज़ मारी, और वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बट बाद में वो पीछे देखते हैं, और इसके बाद जो है दाना के केवल कपड़े ही छूटते हैं और कुछ नहीं बचता है, और दाना भी साफ। इसके बाद जो है विक्की और बिट्टू दोनों के दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, और बिट्टू यहाँ पे विक्की को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि स्त्री और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर है, क्योंकि श्रद्धा कपूर ना तो मंदिर में आती है ना प्रसाद खाती है, और वो किसी और को भी नहीं दिखती। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होल मार्क लग जाता है कि भाई यहाँ पे स्त्री जो है श्रद्धा कपूर ही है। तीसरी रात आते ही यहाँ पे जो विक्की और बिट्टू जो है वो रुद्रा के पास जाते हैं, रुद्रा जिसको थोड़ा पता था कि किस तरीके से जो है हम चुड़ैल से बच सकते हैं, वो जाते हैं और पूछते हैं कि कैसे हम इससे छुटकारा पाएं। तो वो जो किताब उसके पास रहती है वो उस किताब में देखता है तो उसके कुछ पन्ने गायब हो चुके होते हैं, तो उस पन्नों में जो उस किताब में एक महल दिखा जाता है, तो महल वो था जो एक श्रद्धा कपूर जो है राजकुमार राव का एक बारी जब डेट के लिए लेके गई थी वो उस महल के जस्ट पास में था। तो जो विक्की था उसके दिमाग में ये बात घूम जाती है कि ये जगह में तो मैं जा रखा हूँ, तो वो उन दोनों को लेके वहां जाता है, और वहां पे कहीं ना कहीं जो है चुड़ैल विक्की में अटैक तीनों में अटैक करने की कोशिश करती है, बट विक्की जो है एंड में फंस जाता है, बट कहीं ना कहीं वो किसी जगह पे विक्की को नहीं मारती है, क्यों नहीं मारती ये एक सस्पेंस है। जैसे तैसे करके वो महल से बच के निकलते हैं, और बाद में जो है वो एक शास्त्री जी के पास जाते हैं जिन्होंने की वो किताब लिखी थी, और शास्त्री जी उनको कुछ उपाय बताते हैं जिसके जरिए कि वो बच सकते थे, और वो क्या उपाय था ये सारी चीजें तो आपको जो है मूवी थिएटर में जाके ही जाननी चाहिए। बहुत अच्छा सस्पेंस है, और उस सस्पेंस के बाद जो है वो कहीं ना कहीं उस चुड़ैल को खत्म कर पाते हैं, उसकी पावर को जो है खत्म कर पाते हैं। बात यह आ जाती है कि क्या
जो स्त्री है वो श्रद्धा कपूर ही है या नहीं, तो ये भी जो सस्पेंस है मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, टीम बहुत मेहनत करती है मूवी को बनाने में, और मूवी जो है बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। इस मूवी में डायलॉग पंचेस जो जो इस्तेमाल करे गए हैं बहुत लाजवाब करे गए हैं, सीन्स जो लिए गए हैं वो बहुत अच्छे लिए गए हैं, बिल्कुल हॉरर लगती है ये फिल्म। ऐसा लग रहा था जब मैं देखने गया था कि हॉरर फिल्म नहीं होगी, बट बहुत ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को डर महसूस लगती है कि हाँ यार बहुत अच्छे तरीके से वो शूट करे गए हैं। तो जो सीन्स लिए गए हैं मूवी में बहुत बेहतरीन लिए गए हैं, मतलब लगेगा आपको कि एक कॉमेडी भी है इस मूवी में और हॉरर भी है, दोनों के दोनों बहुत बखूबी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, और मूवी को ओवरऑल देख के आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसी ऐसी मूवी हम देखने को मिलती है। अदरवाइज हम देखें तो नॉर्मली इतनी अच्छी मूवीज आती नहीं है, और एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव यानी कि विकी ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग यहाँ पे करी है। जो कैरेक्टर इस मूवी के लिए चाहिए था वो बिल्कुल परफेक्ट उनपे बैठ रहा था, और वो ऑलरेडी बहुत बेहतरीन एक्टर भी हैं, और उन्होंने इस मूवी में भी बहुत उम्दा काम करके दिखाया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए ये मूवी, अगर आप एक मूवी के लवर हो तो आपको देखनी चाहिए। पर हाँ, अगर आप ये सोच जा रहे हो कि मूवी एक कॉमेडी मूवी होने वाली है, तो मैं आपको पहले ही सतर्क कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है, मूवी थोड़ी हॉरर भी है, तो थोड़ा सोच संभल के जाएं कि कुछ कुछ सीन इसके थोड़े डरावने भी हैं और डेफिनेटली कॉमेडी भी है। हर चीज जो है फर्स्ट हाफ की बात करूँ बहुत बेहतरीन हाफ है, सेकंड हाफ इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी एंडिंग इतनी क्लियर नहीं लगी इस मूवी में, कि इतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाई वीडियो में, बट ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो मूवी बहुत बेहतरीन है। मैं अपनी तरफ से मूवी को 3.5 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। आप मुझे बताना कि अगर आपने मूवी देखी तो आप कितनी रेटिंग इस मूवी को देना चाहोगे आउट ऑफ 5। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर एक क्वेश्चन ये चल रहा है कि क्या ये मूवी एक रियल स्टोरी से ली गई है। बिल्कुल भी नहीं है, मूवी कोई रियल स्टोरी से नहीं ली गई है, ये मूवी जो एक बुक से उठाई गई है, एक बुक में जो ये मूवी स्टोरी लिखी गई थी, तो वहीं से जो इस मूवी का कंसेप्ट उठाया गया और ये मूवी उसी तरीके से बनाई गई है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि कहीं पे रियल स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ रियल से रिलेटेड। तो ये तो था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेकर। अब बात करते हैं यमला पगला दीवाना कंपेयर में इस मूवी को लेकर। तो यमला पगला दीवाना जो टोटली कॉमेडी फिल्म है और ये थर्ड पार्ट है, डेफिनेटली एक ब्रांड के साथ यहाँ पे स्त्री मूवी को रिलीज किया गया, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बट बात करें जाए मूवी कॉम्पिटिशन को लेकर, तो जो फर्स्ट डे ग्राफ सामने आ रहे हैं वहाँ पे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो स्त्री मूवी है वो लीड कर रही है। बाकी जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट होगी वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हर डे की अपडेट करता रहूंगा कि क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अपडेट चल रहे हैं। अभी जो अर्ली प्रिडिक्शन की रिपोर्ट आई उसमें ये एस्टिमेट आ रहा है कि स्त्री लीड कर रही है, और डेफिनेटली स्त्री, मुझे मेरा जो मानना है पर्सनली, स्त्री डेफिनेटली यमला पगला दीवाना को यहाँ पे बीट कर देगी, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत दमदार है और जो इसमें डायलॉग्स पंचेस और जो सीन्स इस मूवी में लिए गए और जो स्टोरी इस मूवी की है वो बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट है। तो ये कहीं ना कहीं जो इस मूवी को लीड दिलाएगी, और जल्दी जल्द मुझे लगता है कि मूवी सुपर डुपर हिट जाने वाली है। तो बस गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये ओपिनियन और रिव्यू आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके आपके क्या ओपिनियन इस मूवी को लेकर मुझे जरूर बताना, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल पाए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये मूवी बहुत बेहतरीन है, आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए। आपको मूवी थिएटर में जाके इस मूवी को देखना चाहिए या डाउनलोड करके, जैसे भी आप देखना चाहो, पर आप मूवी को देखिए ही देखिए। इसीलिए मैंने कोई सस्पेंस जो है रिवील नहीं करा। दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी कहना किस मूवी को लेकर इंटरेस्ट बने, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। और जल्द ही मैं जो यमला पगला दीवाना और स्त्री मूवी का एक कंपैरिजन वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि दोनों मूवी में कौन सी मूवी ज्यादा बेटर है, क्या क्या दोनों मूवी में दिखाया गया है, और अगला जल्दी आपको यमला पगला दीवाना का भी रिव्यू आपको मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।